मतलब कॉमेडी भी और संजीदा भी सारे कैरेक्टर्स बखूबी परफॉर्म करती हैं, मगर आपको खुद ज़्यादा क्या पसंद है, कॉमेडी परफॉर्म करना या फिर कोई संजीदा कैरेक्टर्स परफॉर्म करना? कॉमेडी रियली 100%, उसमें कोई 1% गुंजाइश भी नहीं, पसंद की अगर बात है। एक पैशन जो मुझे कॉमेडी है। नहीं, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है शुरू से, बचपन से ही मैं कॉमेडी चीज़ें देखने में, लाइक बचपन में जो इंग्लिश के प्रोग्राम चला करते थे उनमें मुझे अभी भी याद हैं, जो गेट स्मार्ट और बी विच, जो कॉमेडी के वो चीज़ होते थे ना, मुझे वही याद है, मुझे वही अच्छे लगते थे और मुझे बाद में भी मैं उन्हीं की फैन रही। आपकी टाइमिंग भी खतरनाक है कॉमेडी में। आजम ने कहा ना कि संभल, तुम बहुत जीनियस हो। थैंक यू। अच्छा, फिर आपने माशाल्लाह से फिल्मों में भी काम किया, मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल मेरे लिए तो वही है, इट्स अ शूटिंग फॉर मी, उसको क्या फर्क होना है। फिल्म का स्केल लाउड नहीं होता, लाइक सम पीपल से इसके नहीं, फिल्म लाउड है, कुछ लोग कहते हैं थिएटर लाउड है, मुझे अभी तक ये तीन स्केल समझ नहीं आया कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाउड। डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर। मैंने ड्रामों में बड़े लाउड कैरेक्टर किए हैं क्योंकि उसकी डिमांड थी उस कैरेक्टर की, और फिल्म में बहुत मेलो कैरेक्टर किया क्योंकि उसकी डिमांड थी। सो आपने तो एक्टिंग करनी है, मेरे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक्टर के लिए तो उसने तो अपनी बेस्ट एबिलिटी देनी है, चाहे वो छोटी स्क्रीन पे कर रहा है, बड़ी स्क्रीन पे कर रहा है, थिएटर में कर रहा है, उसने तो बेस्ट देना है, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है। अच्छा, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी अगेन खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट थी, तो वो कैरेक्टर आपको फिर कैसा लगा उस फिल्म में? बहुत अच्छी थी, उसमें बड़ा फिल्म करने में वही बात के हमने क्योंकि भावलपुर में की थी, बड़ा मज़ा भी आया, बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहली जो फिल्म की थी वो कौन सी थी आपकी इन तीनों फिल्मों में? वो जावेद साहब की थी, मैं एक दिन, मेरा ख्याल है एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट कर आऊंगा। अच्छा, जब एक दिन मैंने कहंदा कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं क्या क्यों कहंदा, लोकां दे मैं पैसे देने इधर तो भी फिल्म पड़ी है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं क्या क्यों कहंदा, बुड्ढी बहुत मार दी है। चाचा एक दिन कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, क्यों? मैंने पूछा क्यों, कहता मेरा वीजा ही नहीं लगता। इधर मैंने भी कहना मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मैं क्या क्यों कहता, उठे मैंने बढ़ने ही नहीं दे। चाचा इंग्लैंड तो नहीं जाता, क्यों? चाचा मंगलैंड जाता, उठे तो बड़े तरलेशन ने और पूरी फैमिली का मल्टीपल लगा हुआ है, इतने भी फाइव स्टार तो घर रोटी नहीं खाता, ऐ तरल कॉन्टीनेंटल जाता। चाचा जी कुछ अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी बताए, क्यों? अब पता चला ना कॉमेडी कितनी पसंद है। आप अपने वालिद साहब के भी बारे में बताइए, हमीद अख्तर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे स्पेशली, तो आप अपने मुँह से बताएंगे तो अच्छा लगेगा अपने वालिद साहब के बारे में। 2011 में ही पास्ट अवे, और आखिरी वक्त तक वो कॉलम लिखते रहे। अपनी डेथ से एक महीना पहले उन्होंने अपना लास्ट कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि शायद ये मेरा लास्ट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं लिख पाऊँगा। उनके लिए लिखना एक्चुअली, या जिस जो उनके सब्जेक्ट्स होते थे, वो काम नहीं था सोसाइटी में, शोर फैलाने की उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी। खैर बहरहाल, ये तो उनका इतना ज़्यादा काम है कि शायद मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज भी नहीं हैं जितने में मैं बयान कर सकूं। लेकिन हमारा जो तजर्बा था पापा के साथ, कि मेरे वालिद मेरे दोस्त थे, हम सब के, मतलब मेरे सारे बहन भाइयों के, हमें कभी उनसे डर नहीं लगा, उन्होंने कभी हमें डराया नहीं। मेरा ख्याल अपनी वालदा से ज़्यादा अपने वालिद के करीब थी, और मैं अपना अगर मसला था कोई भी किसी भी किस्म का ज़िंदगी के किसी मसले के बारे में, तो मैंने अपने वालिद से डिस्कस किया, हमेशा बहुत प्रिसाइज गाइडेंस मिली, लंबी लंबी बातें नहीं करते थे। क्या बात है। आपका नंबर क्या था भाई बहन में, कितने? मैं सबसे पहली हूँ ना। अच्छा, आई एम द एल्डेस्ट। और उसके बाद कितने और? तीन बहनें और हैं और एक भाई है मेरा, सबसे छोटा भाई है। सारी जिम्मेदारियाँ आप पे, अबू के बाद तो आप बड़ी बन गई होंगी। वो सारे मेरे लिए बड़े हैं और मैं उनके लिए बड़ी हूँ, हम एक दूसरे की सपोर्ट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे हैं सारे बहन भाई, हम आपस में बहुत क्लोज हैं। और ये भी मेरा ख्याल है हमारे वालदैन का तोहफा, उन्होंने हमें कभी बिखरने नहीं दिया। उनका ख्याल ऐसा था कि आपस में किसी किस्म की कोई हो, तलखी हो, जो भी हो, उसको सॉर्ट आउट करो या आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो। हाँ, क्या कुछ सीखा आपने? बच्चों पे सख्ती नहीं किया करते? अच्छा, जिस दिन बच्चे खाना मंगन ना थे उस दिन बड़ी सख्ती कर दे, जिस दिन वो स्कूल लास्ते फीस मंगन उस दिन बड़ी सख्ती कर दे। बस एक दिन नहीं करता, जिस दिन वो कुछ नहीं मांगते। नहीं नहीं, चाचा जी जो मसाले पुठी हो गए, बंदा कहता ना कि बच्चों को देखो शेर की आंख से और दो सोने का नवाला, चाचा जी पुठा काम है, देखो सोने की आंख से और दो एक नवाला भी नहीं। चाचा कहता है शेर मेरे साथ हम नवाला हम खाला रहा है।
ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਓਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਓਏ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਓਏ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੱਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਡੋਲਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੋਹਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਵੀ ਹਾਂ ਓ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਾਸਕਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਆਪ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਓਏ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੋਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਮੇਰੇ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਬਾਈਪਾਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੰਟ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਟਾਂਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਈ 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 ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਤੇਰੇ ਐਮਐਨਏ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਮਦਾਦ ਲੈਣ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਵੇ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤਿਰ ਤੇ ਪੈਣ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਓ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਹਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਲਾ ਬਲਾਵਰ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਕੀ ਜੁਗਤੋਂ ਮੇਂ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਆਮੀਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਬਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈ ਹੀ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ ਓ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੀਆਂ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੀਆਂ ਵੇ